हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5। 2.4 तक हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जीरोज़ के बारे में पढ़ा था। अब 2.5 में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। क्या है वो आइडेंटिटीज़, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है एक्स प्लस वाई स्केयर। एक्स प्लस वाई का स्केयर क्या होता है? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स माइनस वाई स्केयर, क्या आ जाएगा? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस 2xy, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 2xy। उसके बाद आता है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। जब हमारे पास ऐसे टर्म है कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यहाँ पूरे का स्केयर था, यहाँ अलग अलग स्केयर है हमारे पास, एक्स का स्केयर अलग माइनस वाई स्केयर, तो हमारे पास एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब हमारे पास ए और बी यहाँ पे अलग अलग टर्म दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स स्केयर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। पहले इन तीनों का स्क्वेयर किया प्लस, फिर टू टू के पेयर बनाएंगे, टू एक्स वाई टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई क्यूब, इसका क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सारी आइडेंटिटीज आपकी एनसीईआरटी के मैथ में 2.5 एक्सरसाइज से पहले आपको दी हुई है, ठीक है। अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज स्टेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम कैसे? स्टेबल आइडेंटिटी से। एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 10। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अलग टर्म दे रखी है और यहाँ अलग टर्म दे रखी है, दोनों में अलग अलग टर्म है। अलग अलग अगर टर्म है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, तो क्या लगाएंगे? एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्केयर प्लस ए की जगह क्या है? 4 प्लस बी की जगह है 10 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। एक्स स्केयर 10 प्लस 4 14x प्लस 10 4 जहाँ 40, ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब यहाँ पे जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे हम, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर 8 माइनस 10 क्या आएगा? माइनस 2x और माइनस 8 10 जहाँ 80। नेक्स्ट है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। 3x का स्क्वेयर हो जाएगा, जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसको स्केयर करते हैं। फर्स्ट में हम एक्स स्केयर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ क्या है 3x, 3x स्केयर प्लस 4 माइनस 5। अब पहले हम यहाँ क्या लिखते थे? x, क्योंकि हमारे पास टर्म x में होती थी, यहाँ 3x है तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5। 3x का स्केयर 9x स्केयर माइनस 4 में से 5 हटाएंगे माइनस 1, माइनस 1 और 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 5 जा 20। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट, वाई स्केयर प्लस 3/2 इंटू वाई स्केयर माइनस 3/2। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, वो किसके इक्वल है? एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। कि एक बार वही आइडेंटिटी प्लस में और वही डिजिट्स माइनस में है, तो हमारे पास उनका स्केयर कर देंगे और बीच में माइनस। अब यहाँ पे भी तो क्या है, दोनों ये भी सेम है और एक बार प्लस एक बार माइनस, वही करेंगे। यहाँ पे क्या वाई स्केयर, उस पूरे का क्या कर दिया? स्केयर माइनस, इधर जो था 3/2 उसका भी होल स्केयर कर दिया। वाई स्केयर, स्केयर का स्केयर है 2 जो 4, वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4, ये आ जाएगा वाई की पावर 4 माइनस 9/4। नेक्स्ट है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब a, यही फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास, ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो क्या करेंगे? एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, एक्स की जगह क्या है 3, 3 स्केयर माइनस ए की जगह क्या है 2x, माइनस 2x का स्केयर, 3 का स्केयर क्या आएगा 9
और 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। 103 मल्टीप्लाई 107, हमें बताया गया है कि हमें प्रोडक्ट करनी है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, विदाउट मल्टीप्लीकेशन, बिना मल्टीप्लाई किए। अब वो कैसे करेंगे, हमने 103 को ब्रेक कर लिया 100 प्लस 3, 107 को ब्रेक किया 100 प्लस 7 में। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास x प्लस a और x प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स हमारे पास, एक्स की जगह क्या है 100, 100 का स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7, और एक्स एक्स की जगह क्या है 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। 100 का स्क्वेयर क्या आएगा 10,000 प्लस 7 प्लस 3 10, 10 की और 100 की मल्टीप्लाई 1000 प्लस 37 जा 21, तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 11,021। नेक्स्ट है 95 मल्टीप्लाई 96, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 100 में से एक बार 5 माइनस कर देंगे, एक बार 100 माइनस 4 कर देंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x माइनस a और x माइनस b। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस a माइनस b x प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की जगह क्या 100 का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या माइनस 5, बी क्या माइनस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और बी क्या है 5 और 4, 5 मल्टीप्लाई 4, 100 का स्क्वेयर 10,000 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, 9 के और 100 के मल्टीप्लाई माइनस 900 प्लस 5 4 जा 20। पहले 10,000 में से 900 माइनस करेंगे फिर प्लस 20 करेंगे क्या आएगा 9,120। नेक्स्ट है 104 मल्टीप्लाई 96, इसको क्या करेंगे 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, और जब हमारे पास एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, तो इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा 100 स्केयर माइनस 4 स्केयर, 100 का स्केयर 10,000 माइनस 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 9,984। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे हम और इसके फैक्टराइज करेंगे। अब भी तो हमारे पास क्या था, फैक्टराइज करके दे रखा था और हम उससे क्या कर रहे थे, आइडेंटिटी ओपन कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज हमें दे रखा है और उसको हम क्या करेंगे, वापस से क्लोज करेंगे, आइडेंटिटी को क्लोज करेंगे। देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, अब इसके अंदर क्या है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी बन गई ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसको हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्केयर। देखते हैं कैसे बनाते हैं, 9x स्केयर, 9 किसका स्केयर है 3 का, और x का 3x का होल स्केयर लिख सकते हैं, प्लस y स्केयर, इसको y का स्केयर लिख देंगे प्लस, फिर 2ab लिखते हैं 2, और a हमारे पास क्या है 3x हो गया, और b हमारे पास क्या है y, 3 2 जा 6 एक्स वाई था ना हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसको हम क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्केयर, a हमारे पास 3x है प्लस b हमारे पास y है, पूरे का हम क्या लिख देंगे स्केयर। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड में दे रखा है 4y स्केयर माइनस 4y प्लस 1, अब हम यूज़ करेंगे ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, क्योंकि माइनस है तो मैंने बताया था माइनस 2ab हो जाएगा, सिर्फ यही फर्क आता है। 4y स्केयर को हम क्या लिखेंगे, 4 किसका स्केयर है 2 का, और इसको क्या लिख देंगे y का 2y स्केयर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्केयर माइनस 2ab, a हमारे पास क्या है 2y और b हमारे पास क्या है 1, तो इसको हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसको हम क्या लिख देंगे a माइनस b का होल स्केयर 2y माइनस 1 का होल स्केयर। नेक्स्ट है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई 100, ये हमारे पास क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स को हम क्या लिख देंगे एक्स का स्केयर माइनस वाई, और ये 100 किसका स्केयर होता है 10 का, तो क्या लिख देंगे वाई बाई 10 का स्केयर। अब हमारे पास ये बन गए सेम, अब हम एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, एक्स माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम 3 की आइडेंटिटीज़ को ओपन करेंगे। एक्सपेंड ईच ऑफ द केस यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज़ एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड स्क्वेयर। मैंने क्या बताया था, जब हम 3 के ओपन करेंगे पहले तीनों का स्केयर करेंगे, फिर 2 2 के पेयर बना देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करके। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड प्लस टू वाई जेड करो। ये हमारे पास क्या, एक्स स्केयर प्लस टू वाई का स्केयर प्लस फोर जेड स्केयर प्लस फिर टू एक्स वाई। टू एक्स की जगह हमारे पास क्या है एक्स, और वाई की जगह हमारे पास क्या है टू वाई प्लस टू एक्स जेड। टू वाई की जगह हमारे पास टू वाई और फोर जेड प्लस टू एक्स और फोर जेड। एक बार हम इन दो को ले लेंगे, एक बार इन दो को ले लेंगे, एक बार इन दो को टू के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू का फोर और वाई का स्केयर फोर वाई स्केयर प्लस फोर जेड का क्या आ जाएगा फोर का स्केयर सिक्सटीन सिक्सटीन जेड स्केयर प्लस टू टू जहाँ फोर एक्स वाई प्लस टू टू जहाँ फोर 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 जहाँ सिक्सटीन वाई जेड प्लस फोर टू जहाँ एट एक्स जेड। नेक्स्ट है सेकेंड 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्केयर। अब भी वही ओपन हो गई लेकिन जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रखेंगे हम। 2x का स्केयर प्लस माइनस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई लिखेंगे, x हमारे पास 2x और y क्या है माइनस वाई प्लस 2x जेड। 2 लिखेंगे, x हमारे पास क्या है 2x और z एज इट इज प्लस 2yz 2 और y की जगह माइनस वाई और z की जगह है जेड। 2x का होल स्केयर क्या आएगा 4x स्केयर प्लस y, माइनस है तो माइनस का स्केयर क्या हो जाता है प्लस प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। 2 टू जहाँ 4 और माइनस हो जाएगा 4xy 2 टू जहाँ 4xz माइनस 2 वन जहाँ 2 और माइनस वाई जेड। नेक्स्ट है थर्ड माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्केयर। अब माइनस 2x स्केयर प्लस 3y स्केयर प्लस 2z स्केयर प्लस 2xy 2 x की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2x और y की जगह 3y प्लस 2yz 2 y की जगह 3y और z की जगह 2z प्लस 2xz 2 z हमारे पास 2z और x हमारे पास माइनस 2x करो। माइनस है माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 एक्स स्केयर प्लस 3 का 9y स्केयर प्लस 2z का 4z स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12x 12y z माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8x z। नेक्स्ट है 4th 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है 3a स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह क्या है माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2xy। x हमारे पास क्या है 3a और y क्या है माइनस 7b प्लस 2y टू एक्स जेड। टू एक्स हमारे पास क्या है 3a और z हमारे पास क्या है माइनस c प्लस 2 फिर माइनस 7b और माइनस c। 3a का स्केयर क्या आ जाएगा 9a स्केयर माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा 7 का क्या आएगा 49b स्केयर प्लस माइनस c का प्लस c स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6ac। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 7 जा 14bc। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर। अब वही आइडेंटिटी यूज करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 और x क्या है माइनस 2x y क्या है 5y प्लस 2 इंटू एक्स क्या है माइनस 2x और z क्या है माइनस 3z प्लस 2 इंटू 5y मल्टीप्लाई माइनस 3z माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा और 5 का 25y स्क्वायर प्लस माइनस 3 का 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy फिर प्लस माइनस 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 प्लस हो गया तो प्लस आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12xz माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz। नेक्स्ट है लास्ट इसका
वन बाई फोर ए माइनस वन बाई टू बी प्लस वन का होल स्केयर। आइडेंटिटी का यूज़ किया, वन बाई फोर ए, वन बाई फोर ए का स्केयर प्लस है, इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस वन बाई टू बी का स्केयर प्लस है वन का स्केयर प्लस टू इंटू वन बाई फोर ए और माइनस वन बाई टू बी प्लस टू इंटू माइनस वन बाई टू बी और ए वन प्लस टू इंटू वन बाई फोर ए और ए वन। दो दो के पेयर कर लिए हमने, वन बाई फोर का वन का वन आ जाएगा और फोर का सिक्सटीन ए स्क्वेयर, माइनस का प्लस हो जाएगा, वन का वन और टू का फोर बी स्क्वेयर प्लस ए वन। अब प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा टू से टू कैंसल, वन बाई फोर ए बी माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा टू से टू कैंसल, तो वन की और बी की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, माइनस बी, टू टू जा फोर, वन बाई टू ए, वन बाई टू ए आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्केयर बाई सिक्सटीन प्लस बी स्केयर बाई फोर प्लस वन माइनस वन बाई, इसको करेंगे ए बी बाई फोर माइनस बी प्लस ए बाई टू। ये हमारे पास थे एक्सरसाइज 2.5 के फोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।